एक बार फिर से पूंछ में जो आतंकियों ने हमला किया जिसमें एक जवान शहीद हो गया, चार घायल हो गए। कहाँ ये? पूंछ में, जम्मू कश्मीर। ऐसा है कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं, ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है। इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना, ये बीजेपी को आता है। अगर बात की जाए तो लगातार बीजेपी का उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है पंजाब में। कल भी विरोध हुआ था, इस दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की में एक किसान जो 60 वर्षीय था उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके लेके कैसे देखते हैं? ऐसा है कि बीजेपी किसानों को दबाकर किसानी खत्म करके देश सूबे की और देश की पंजाब को दबाना चाहती है और पंजाब को की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करना चाहती है। उनको पता है कि अगर हम किसान को ख़त्म कर देंगे, किसानी को ख़त्म करेंगे तो पंजाब डूब जाएगा। वो एक्चुअली पंजाब को डुबाना चाहती है, इसलिए उनका विरोध हो रहा है। आज अनुराग ठाकुर आ रहे हैं, सैकड़ों परिवार जो भाजपा में शामिल होने हैं वो भी जो हिमाचल से आए हुए हैं, तो आज उन्हें बीजेपी में शामिल करवाया जा रहा है। ऐसा है कि ये स्टंटबाजी है। अनुराग ठाकुर जी आकर कुछ बंदे खड़े कर सिरोपे डाल देंगे, बीजेपी का सिरोपा डाल देंगे, वोट उनको कोई नहीं देता। कुछ पैसे देकर भी ये आदमियों को खरीद रहे हैं, उनकी फोटो उतरवा लेते हैं, वोट वो फिर भी नहीं डालेंगे। जितना मर्जी पैसा बांट लें, जितना मर्जी दबा लें, जो मर्जी डरा लें, लोगों ने अंदर जाकर वोट डाली है, वो कांग्रेस को डालेंगे। और दूसरी बात की जाए, कल जो करमजीत कौर चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी ने मेरे बेटे को दुर्योधन बोला, जबकि हमारा पूरा परिवार जो कांग्रेस ही रहा था, हम मेरे पति ने भी शहादत दी, इसलिए फिर भी उनको जो नकार दिया पड़ा। ऐसा है, उनको टाइम मिला था, पिछली बार टिकट मिली थी, अगर सक्षम होते तो जीत जाते, लोगों ने जिताना, मैंने नहीं। एक आखिरी सवाल सर, आपने रिंकू को लेकर कहा कि रिंकू एंड पार्टी जो है यहाँ पे शहर में जो दड़े सट्टे या लॉटरी का कारोबार कर रही है, उन्होंने आज स्टेटमेंट दिए, उन्होंने कहा है कि आपने तो जो महिला अफसर थी उसके साथ छेड़छाड़ की थी, उसके बाद आपने रिटर्न माफ़ी मांगी। अगर कहते चन्नी जी बोलेंगे तो मीडिया में वो पत्र भी जारी कर देगी माफीनामा। उनको बोलो तुम्हारे पास कोई भी पत्र है तो अभी जारी करें, झूठ मत बोलें और ऐसे ही बातें मत बनाएं। मैं खाली धड़ा सट्टा की बात ही नहीं कर रहा, मैं लॉटरी की बात नहीं कर रहा, मैं जो नशा यहाँ चल रहा है उसकी भी बात कर रहा हूँ, मैं जो रेडियो वाले से पैसे लिए जाते हैं, फड़ी वालों से पैसे लिए जाते हैं उसकी भी बात कर रहा हूँ, जो स्नैचिंग हो रही है उसकी भी बात कर रहा हूँ। इसके पीछे हमारे यही लीडर रिंकू हो, उग्रार हो, इन्होंने यहाँ जलंधर में माहौल खराब कर रखा है, उस माहौल को हमने ठीक करना है। धन्यवाद। पिछले शनिवार, जो बीता शनिवार है, उस दौरान एक बार फिर से पूंछ में जो आतंकियों ने हमला किया जिसमें एक जवान शहीद हो गया, चार घायल हो गए। कहाँ ये? पूंछ में, जम्मू कश्मीर। ऐसा है कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं, ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है। इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना, ये बीजेपी को आता है। अगर बात की जाए तो लगातार बीजेपी का उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है पंजाब में। कल भी विरोध हुआ था, इस दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की में एक किसान जो 60 वर्षीय था उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके लेके कैसे देखते हैं? ऐसा है कि बीजेपी किसानों को दबाकर किसानी खत्म करके देश सूबे की और देश की पंजाब को दबाना चाहती है और पंजाब को की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करना चाहती है। उनको पता है कि अगर हम किसान को ख़त्म कर देंगे, किसानी को ख़त्म करेंगे तो पंजाब डूब जाएगा। वो एक्चुअली पंजाब को डुबाना चाहती है, इसलिए उनका विरोध हो रहा है। आज अनुराग ठाकुर आ रहे हैं, सैकड़ों परिवार जो भाजपा में शामिल होने हैं वो भी जो हिमाचल से आए हुए हैं, तो आज उन्हें बीजेपी में शामिल करवाया जा रहा है।
ऐसा है कि ये स्टंटबाजी है। अनुराग ठाकुर जी आकर कुछ बंदे खड़े कर सिरोपे डाल देंगे, बीजेपी का सिरोपा डाल देंगे, वोट उनको कोई नहीं देता। कुछ पैसे देकर भी ये आदमियों को खरीद रहे हैं, उनकी फोटो उतरवा लेते हैं, वोट वो फिर भी नहीं डालेंगे। जितना मर्जी पैसा बांट लें, जितना मर्जी दबा लें, जो मर्जी डरा लें, लोगों ने अंदर जाकर वोट डाली है, वो कांग्रेस को डालेंगे। और दूसरी बात की जाए, कल जो करमजीत कौर चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी ने मेरे बेटे को दुर्योधन बोला, जबकि हमारा पूरा परिवार जो कांग्रेस ही रहा था, हम मेरे पति ने भी शहादत दी, इसलिए फिर भी उनको जो नकार दिया पड़ा। ऐसा है, उनको टाइम मिला था, पिछली बार टिकट मिली थी, अगर सक्षम होते तो जीत जाते, लोगों ने जिताना, मैंने नहीं। एक आखिरी सवाल सर, आपने रिंकू को लेकर कहा कि रिंकू एंड पार्टी जो है यहाँ पे शहर में जो दड़े सट्टे या लॉटरी का कारोबार कर रही है, उन्होंने आज स्टेटमेंट दिए, उन्होंने कहा है कि आपने तो जो महिला अफसर थी उसके साथ छेड़छाड़ की थी, उसके बाद आपने रिटर्न माफ़ी मांगी, अगर कहते चन्नी जी बोलेंगे तो मीडिया में वो पत्र भी जारी कर देगी माफीनामा। उनको बोलो तुम्हारे पास कोई भी पत्र है तो अभी जारी करें, झूठ मत बोलें और ऐसे ही बातें मत बनाएं। मैं खाली धड़ा सट्टा की बात ही नहीं कर रहा, मैं लॉटरी की बात नहीं कर रहा, मैं जो नशा यहाँ चल रहा है उसकी भी बात कर रहा हूँ, मैं जो रेडियो वाले से पैसे लिए जाते हैं, फड़ी वालों से पैसे लिए जाते हैं, उसकी भी बात कर रहा हूँ, जो स्नैचिंग हो रही है उसकी भी बात कर रहा हूँ। इसके पीछे हमारे यही लीडर रिंकू हो, उमरार हो, इन्होंने यहाँ जलंधर में माहौल खराब कर रखा है, उस माहौल को हमने